जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, तिसते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रह पीतर, उठ ओहू को दौरियो। सेवक दी अवस्था है, आज्ञा में पूक सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जानियो, जो जो हुक्म पयो साहिब का, सो माथे ले मानियो। तन भाई भिखारी जो दुख अते सुख दे विच सम अवस्था दे विच है, तन गुरु अर्जन देव महाराज तती तवी ते बैठे, साईं मियां मीर जी कहन लगे, साहब जी ये कैर बर्दाश्त नहीं हुंदा, आप जी हुक्म दियो, मैं दिल्ली दी इट नाल इट खड़का दिया। ते तन गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे, साईं मियां मीर जी, रजा दे विच्चों ही शक्ति दा जन्म हुंदा है। जिस मां दी कुखों बालक ने जन्म लेना होवे, उस मां नूं जन्म पीड़ा बर्दाश्त करनियां पैंदियां, फिर बच्चे दा मुख देखदी है। सानू भी ये सहना पएगा दुख, इस करके रजा विच रहना है। ते रसना गा रही सी, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। तन तन भाई साहब भाई मती दास जी, तन आरे नाल चिरिया जा रहा है। तन तन भाई मनी सिंह जी बंद बंद कटे जा रहे ने। तन तन भाई तारू सिंह जी खोपड़ी लहाई जा रही है। तन भाई दयाला जी उबलदी देग विच तन उबाले खा रहे है। रजा वर्ती अंदर शब्द टिकया सी, साबित रहे। सिदक तोड़ निभा गए, मेरा सिर जाए ता जाए, मेरा सिखी सिदक ना जाए। शीश दिया पर सिर ना दिया, सिदक नहीं छड़िया। मीर मनु दी कहद भी, तन ओ मतावा जिन्हां खनी खनी बोटी ते गुजारा कीता, सवा सवा मन दे पीसने पीसे, अपने जिगर दे लालां दे टोटे टोटे करवा के नेजियां ते टंगे गए, गले विच हार पवा ले ते शाम नूं अरदास भी जुड़ियां। अकाल पुरख तेरे पाणे अंदर चार पहर दिन सुखां नाल बतीत होया, रहण आई है सुखां नाल बतीत हो। गुरसिख दी तां इह जीवन दी अवस्था है, जे सुख दे तां तुझे अरादी, दुख भी तुझे त्याई, जे पुख दे ताई तही राजा, दुख विच सुख मनाए। अज उस महान पितर आत्मा दी इत्थे मिठी प्यारी याद मनाई जा रही है। पंथ रतन अति सत्कारयोग भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खालसा खने वाले, जिन्हां दा सारा जीवन गुरु ग्रंथ अते गुरु पंथ नूं समर्पित, जिन्हां शब्द गुरु दे लड़ लगाउंदे आ, देशां ते विदेशां विच गुरसिखी दी महक वंडी। दस पास समा नहीं है मैं इस विषय नूं होर ज़्यादा खोल सकां, बस अज एक संकल्प लैके जाइए, जो उन्होंने जीवन दे विच हुक्मी बंदे हो के रजा दे विच रह के पाणे नूं सत करके मनिया, अरदास करिए असी भी साडे जीवन दे विच भी ये रजा वाला गुण, पाणे नूं मिठा करके मनन वाला गुण, हुक्मी बंदे होण दा गुण साडे अंदर भी आ जाए। ये मनाई हुई याद सफली है। उन्होंने चार बचन दास नूं अज तो 18 साल पहला कहे, गुरमुख दे वचन सारी लुकाई लई हुंदे ने, किसी विशेष मनुख लई नहीं। कहन लगे, अमृत वेला कदे ना खुंजाणा, घट्टो घट एक घंटा अमृत वेले सिर्फ सलाह विच जुड़ना, वाहिगुरु गुरमंत्र दा अभ्यास करना। दूसरा बचन भाई साहब जी ने किया, कदे भी जीवन दे विच शंका नहीं करना, सहसे करके जियो मलीन हुंदा, कदे सहज नहीं आएगा, कदे शंका नहीं करना। ते तीसरा बचन उन्होंने किया, नेम नाल सत्संगत विच जाना है, संगत दी चरण तोड़ लेनी है।
ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਤੁੱਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਸ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਵਸਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਵੇਦ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਭ ਸੂਰਤ ਹੋਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ। ਸੱਚੀ ਮਨਾਈ ਹੋਈ ਜਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੀਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਇਆ, ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਚਿਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਅਤੇ ਨਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।